नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हमने मध्य प्रदेश के सागर के तिलकगंज इलाके की वो आग देखी जो लगातार आग के रूप में न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि पूरे जिले से दमकल यहां मौजूद हैं। चाहे सायगढ़ हो, चाहे साहेपुर हो, चाहे बंडा हो, चाहे सागर का लोकल नगर निगम हो, तमाम दमकल यहाँ लगे हुए हैं। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर हम इस वजह से दिखा रहे हैं कि तिलकगंज इलाका जो है उसमें कई गोदाम है। ये तेल का, खाने के तेल का गोदाम था, अभी तेल यहाँ बनता था, अभी तेल की कोई कंपनी है वो तेल यहाँ बनता था। लापरवाही हुई, एक चिंगारी उठी और चिंगारी इतनी भीषण आग में तब्दील हो गई कि लगातार 5 घंटे प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से ये आग बुझाने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जिंदगानी रहती हैं, रिहायशी बस्ती है, तो वहाँ गोदाम की परमिशन कैसे मिलती है? तो ये हम बता रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, बाकायदा पुलिस पूरी व्यवस्था कर रही है क्योंकि यहाँ पब्लिक इकट्ठा हुई है। और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से और दिखाएंगे कि कैसी वो आग है जो लगातार 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल बदस्तूर जा रही है। पूरी प्रशासन ने ताकत लगा दी, ये लाइन से आप देख रहे हैं दमकल हैं और खुद कलेक्टर ने मोर्चा संभाला है, खुद HP ने मोर्चा संभाला है। लेकिन सवाल फिर वो तमाम हम आपसे ये कहेंगे कि सवाल एक है कि सागर जिले में, सागर शहर में तमाम जो गोदाम हैं वो रिहायशी बस्ती में क्यों हैं? ये सवाल बिल्कुल बरकरार है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस देश में ज़रूरी नहीं। अगर इंसानी ज़िंदगी खतरे में है तो फिर सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं, प्रशासन की नीयत पर खड़े होते हैं। तो ये गोदाम है, यहीं आप देख सकते हैं रिहायशी बस्ती है, लोग रहते हैं, यही गोदाम है। अगर लापरवाही थोड़ी सी भी हुई तो फिर ये जो तस्वीर बनती है जो परेशान कर सकती है। हम लगातार ये आग दिखा रहे हैं और आग में आप खुद कलेक्टर महोदय, खुद SP, तमाम पुलिस प्रशासन, पूरे ज़िले के दमकल, सारी व्यवस्था, सिर्फ ये आग 5 घंटे तक, शायद सागर शहर की अभी तक की सबसे बड़ी आग थी। जो देखिए, ये फिर दमकल आया, ये बंडा से लगातार दमकल आ रहे हैं और भी दमकल हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सकते हैं। हम बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, प्रशासन मुस्तैद है तो कल से ये तय करे कि कहाँ गोदाम होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये तस्वीर सागर की जनता देख रही है तो सवाल बरकरार है। आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये तो वक्त रहते पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की जो कोशिश है उसमें बहुत हद तक प्रशासन कामयाब रहा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।